बार्स पी 305 जहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। हम देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से आज रेस्क्यू किए गए हैं, जहां एक तरफ से लोग रेस्क्यू होते घर वापस आ रहे हैं, कुछ डेड बॉडीज़ भी मिल रही हैं। वहीं चलते हमारे पास एक फैमिली अभी भी आई है त्रिवेंद्रम से, जिनके भाई अभी भी लापता हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हैं मोहन चंद्रमौली, जो कि एफकॉन्स के QA QC डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के हैं, और जो 15 दिन पहले ही समुंदर पे गए थे। सुनते हैं उनके भाई किस तरीके से हैं, उनका परिवार किस तरीके से उनके लिए परेशान है, क्योंकि उन्हें अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। हेलो सर, दिस इज शिव चंद्रमौली आई थी, ब्रदर ऑफ मिस्टर मोहन वंशी कृष्णा। My brother got struck in P305 on Monday. Till now we didn't get any update from them. But a few of the sources I came to know that Pamji has been rescued. But till now we didn't get any official confirmation. My family got completely, they are collapsed. So try to understand my pain and please give me the update as soon as possible. Thank you, sir. जैसे कि हमने अभी सुना कि मोहन विमसी कृष्णा के भाई और परिवार किस तरीके से उनके लिए चिंतित हैं, सिर्फ वही नहीं, ऐसे कई ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो अभी भी उनके परिवार वालों का नाम सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब घर लौटेंगे। हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और सभी दल इस टाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, 24 घंटे रेस्क्यू कर रहे हैं। हर जगह से, मुंबई, गोवा, गुजरात, जहाँ जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कोई भी, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी शांति से नहीं बैठा है जब तक कि पूरी तरह बार्ज P305 के सभी लोग सुरक्षित वापस नहीं आ जाते। अभी की मिली खबर के अनुसार कुछ 11 डेड बॉडीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं मुंबई पुलिस से, जिसमें से एक डेड बॉडी हैंड ओवर हो चुकी है। आज सुबह 188 सर्वाइवर्स को वापस लाया गया है मुंबई, और 37 लोगों की मृत शरीर वापस पहुंचे हैं। जैसे जैसे इनको आइडेंटिफिकेशन होगा, बॉडीज़ को हैंडओवर किया जा रहा है। मुंबई तेज़।